हेलो एवरीवन सो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन लीगल सिस्टम्स एंड मेथड ये बेसिकली लेवल फोर का यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एलएलबी का फर्स्ट एक बेसिक पलिमिनरी मॉड्यूल है और इस लेक्चर में जो मैं आज आप लोगों के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ये अगर आप सुने और इसको समझें तो आपके लिए बहुत सी जो कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो भी एक लॉ स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा होता है लॉ के प्रोग्राम को वो आपको इस लेक्चर के सुनने के बाद काफ़ी ईजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी आपके लिए सो so, मेरा जो मकसद है इस लेक्चर को बनाने के लिए वो ये है कि कोई भी बंदा जो इस डिग्री को स्टार्ट कर रहा है वो बेसिकली इन टर्मिनोलॉजी से साथ ना सिर्फ फेमिलियर हो जाए बल्कि ये चीज़ें उनको समझ आ जाएँ एज़ फार एज़ द कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन ये लेक्चर बेसिकली आपका चैप्टर नंबर वन पूरा का पूरा कवर करेगा इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली ये क्वेश्चन डिस्कस करनी हैं और इन क्वेश्चन में से सबसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है दैट वॉट इज़ मेंट बाई लॉ ये हमारा एक बुनियादी पर्पज़ है इस लेक्चर को बनाने का कि स्टूडेंट्स ये समझ जाएँ कि लॉ है क्या और उसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन जो एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि इसका रोल क्या है ये किन लोगों के लिए बनाया जाता है किस मकसद के लिए बनता है ये भी एक हमारा बहुत ही असेंशल क्वेश्चन है दैट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर इसी तरह

Uh, we are also going to talk about the classification of law and yani just different varieties of law and we're going to talk about that and lastly we're going to talk about what is meant by legal methods so all of these questions will be considered in this lecture so this lecture or if you have any questions to please uh, comments me questions go mention and i can you know reply to those questions so let's move on to the first question we have what is law Kanun kya hai? now ये जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हो जब भी आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहा है या फिज़िक्स पढ़ रहा है तो दैट इज़ समथिंग व्हिच ही नीड्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजी वॉट इज़ मेंट बाय फिज़िक्स और वो एक डेफिनेशन बड़ी प्रिसाइज तरीके से हर तकरीबन बुक ने आपको प्रोवाइड की होती है आ, लेकिन ये जो आ, Uh, आपका जो लॉ का प्रोग्राम होता है या जब भी आप लॉ को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये डेफिनेशन एक प्रिसाइज मैनर में कभी भी डिफ़ाइन नहीं की होती और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कानून क्या है इसके पीछे एक फ़िलोसफिकल डिबेट मौजूद है एंड अगर आप सिंपली मुझसे पूछो कि वॉट इज़ लॉ तो आई वुड आई वुड से दे सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ कोर्सिव मैयर विच कंपेल्स पीपल टू फॉलो द लॉ एंड दिस इज़ अ डेफिनेशन विच कैन बी मो मोर सिंप्लीफाइड फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ जूरिस्ट हुट के लॉ इज़ अ कमांड विच इज़ बेस्ड ऑन सेंक्शन जॉन ऑस्टन की बेसिकली ये डेफिनेशन है तो उसने तो उसको बहुत ही सिम्प्लीफाई कर दिया था कि कानून सिर्फ वो है जो कमांड uh, है उसके पीछे सेंक्शन है सो ये रूल्स की जब हम बात करते हैं तो रूल्स हमारे पास सोशल रूल्स भी होते हैं वी हैव अदर रूल्स जिनके साथ uh, जो कन्वेंशन से ड्राइव हो रहे होते हैं जो ट्रडिशन या कस्टम्स से डराइव हो रहे होते हैं उन रूल्स उन का भी जिक्र होता है लेकिन जो कानून है और रूल्स में और लॉ में जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉ हैज़ समर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैकेज़म जिसको uh, बेशक वो पेनल्टी के साथ हो या किसी सेंकशन के साथ हो या किसी इम्प्लीमेंटिंग uh, मैयर के साथ हो उससे तहत वो लॉ बनता है जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि दर इज़ नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी लॉ और उसके ऊपर कंसिडरेबल डिबेट मौजूद है इसमें पॉजिटिविज्म भी आ जाता है इसमें नेचुरल लॉ भी आ जाता है तो प्लीज़ मेक श्योर वन यू डू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया तो आप इसके इनिशियली आपने बहुत ज़्यादा इसको डाइव इन नहीं करना बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल आंसर्स आपको मिलेंगे इफ यू एट वन ऑफ द डेफिनेशन बायो डिक्शनरी इट्स लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स सो ये कुछ एक मजमु है कुछ रूल्स का रूल्स ऑफ एक्शन और कॉन्डक्ट प्रिस्क्राइब बाई कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड हैविंग बाइंडिंग लीगल फोर्स सो इसने लॉ को बाइंडिंग फोर्स के साथ एसोसिएट किया है रिमेंबर स्टूडेंट्स ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी इज वन ऑफ द क्रेडिबल सोर्सेज

डिक्शनरी uh, ने भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने भी बेसिकली लॉ को एक बाइंडिंग फोर्स के साथ साथ बॉडी ऑफ रूल्स के साथ साथ उसको सेंकशन के साथ एसोसिएट uh, uh, किया है इसी से रिलेटेड अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाएँ दैट वाट इज़ लॉ फॉर इसका जो मकसद है वो क्या है सो so लॉ का जो मकसद है वो प्राइमरीली तो एक सोशल फंक्शन परफॉर्म करता है अगर आप पूछो तो माशरे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ताकि हम एक इन दर्ड इन वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर एच एल ए हार्ट वो कहते हैं कि अगर कानून नहीं होगा या मिनिमम कॉन्टेंट ऑफ लॉ अगर इंसान इनसा, शुरू से अडोप्ट ना करते तो उसका नतीजा ये होना था कि इंसानों ने एक सूसाइड क्लब बन जाना था तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए इंसान ने ख़ुद ज़रूरी समझा कि कुछ सर्टन सेट ऑफ़ रूल्स को उसको अबाइड बाय करना है और वो फिर रिफॉर्म होता होता आज के जो मॉडर्न लीगल सिस्टम्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आपको नज़र आते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उनके तहत अब वो एग्जिस्ट कर रहा है सो द वेरी आइडिया कि लॉ का मकसद क्या है किस इस, इसका रोल क्या है वो ये एक सोशल फंक्शन है जिसका परपस इवेंचुअली ये है कि माशरे के अंदर एक ऑर्डर सस्टेन करना मार्टिन इसके बारे में एक आर्गुमेंट पेश करता है और वो दो परपसेस को अलग-अलग से डिफ़ाइन करता है एक परपस वो उसका मैक्रो फंक्शन बताता है जिसके अंदर आ, वो ये कहता है कि बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक इंटरनेशनल एंड मॉरल ऑर्डर्स ये एक निज़ाम के तहत मौशी सियासी और इवन जो समाजी आ, एक निज़ाम है उसको कायम रखने के लिए इसका एक बुनियादी फंक्शन है लेकिन ये जो इसका फंक्शन है ये हॉलिस्टिकली एक मैक्रो लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है इसी तरह ही गोज़ ऑन दिस फर्दर आर्ग्यूमेंट कि जो इसका माइक्रो फंक्शन है वो इंडिविजुअल राइट्स को आ, ग्रांट करना है जिसमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं उसमें जो सिविल क्लेम्स हैं जिनका बारे में मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ मेट बाय सिविल क्लेम उसका भी जिक्र वो इसी माइक्रो फंक्शन के अंदर आता है यानी मेरा और अगर किसी और शख्स का एक कॉन्ट्रैक्चुअल इशू है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस लॉ ने एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तौर पर काम करना है तो वो इसका एक माइक्रो फंक्शन होगा वेयर एज मैक्रो फंक्शन जो है वो ज़रा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्र स्पेक्ट्रम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और एक प्रॉब्लम जो कॉमनली हमें नज़र आती है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं इनके अंदर आपस में काफ़ी हद तक कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको फंडामेंटल राइट right दिया गया है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना जो एक मैक्रो फंक्शन है और फंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि एक माइक्रो फंक्शन है ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं और इसकी मिसाल आपको अक्सर दिनों में नज़र आती है जहाँ पर कोई शख्स एक ऐसी बात कर देता है जो पब्लिक सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ होती है और उस बात के तहत एक पूरा जो है वो माशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है सो so, ये जो दोनों फंक्शन हैं लॉ के इवेंचुअली रियासत को इन फंक्शनस को बड़ा properly balance out करना होता है अच्छा इसी तरह अगर हम बात करें कि जो हमारा एक और बड़ा ही question क्वेश्चन है जो कि हर student के लिए एक आ, आ, necessary element है understand करने का और वो ये है कि what is meant by English legal system? ये एक diagram सी है इंग्लिश लीगल सिस्टम कलेक्टिवली उस पूरे निज़ाम को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसके अंदर कॉमन लॉ भी मौजूद है उसके अंदर अदालतें मौजूद हैं उसके अंदर जुडिशरी मौजूद है, है यानी तमाम जो जजेज़ हैं फिर लीगल प्रोफेशनल्स भी उस निज़ाम का ही हिस्सा हैं पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स उसमें मौजूद हैं क्योंकि यू के अंदर जो पुलिस है उसके साथ एक एक इंडिपेंडेंट इदारा है दैट इज़ कॉल्ड दी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जिसके बारे में हम आगे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के बारे में हम आगे जाके अपने कुछ फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि वो कब फॉर्म हुआ और उसका पर्पस क्या है इसी तरह ज्यूरीज इंग्लैंड के अंदर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में कुछ सिविल में और मोस्टली क्रिमिनल मैटर्स में ज्यूरीज का भी रोल होता है जो कि आम लोगों के ऊपर बेसिकली निसार किया जाता है और वो लोग जज के साथ मिल के तमाम जो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई होती हैं उसके उसको सुनने के बाद एक फ़ैसला करते हैं इसी तरह तमाम वो ऐसे मेकनिज़म जिसके अंदर एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड की जाती है जिसमें लीगल एड वग़ैरह भी आ जाती है वो भी लीगल सिस्टम का और इस निज़ाम का हिस्सा है और लास्टली बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस सारों को बेसिक uh, अगर आप कह लो कि फंडामेंटल चीज जो पूरे निज़ाम का एक बैकबोन है वो तमाम की तमाम लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट के तहत जो लॉज बने होते हैं बिकॉज यूके भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल uh, मोनार्की है जहाँ पर uh, जो पार्लियामेंट है उसका एक बहुत ही मेजर रोल है लॉ मेकिंग के अंदर ऑल्दो के कॉमन लॉ सिस्टम है जो कि मैं कुछ देर में नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस भी करूँगा कि कॉमन लॉ के सिस्टम का मतलब क्या होता है इनफैक्ट जो हमारा जो अगला जो uh, पूरा जो डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू दीज टू टर्मिनोलॉजीज वॉट इज मेंट बाई कॉमन लॉ वर्सिस सिविल लॉ अट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑफन कन्फ्यूज दिस टर्म और मैंने कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर के अंदर जो ये कन्फ्यूजनज हैं इनको ख़त्म कर सकूँ सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कॉमन लॉ इज बेसिकली अस्टम जो कि इंग्लिश लीगल सिस्टम से इन्हेरिट कर रहा है वेरा सिविल लॉ का जो निज़ाम है ये रोमन लॉ uh, से इहेरिट कर रहा है मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं Uh, वहाँ पर सिविल लॉ सिस्टम है और कॉमन लॉ सिस्टम जो है क्योंकि यूके ने डेवलप किया था और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कॉमन लॉ वो हम किसी और लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि इसकी बुनियाद कहाँ से हुई थी जब हम सोर्सेज को पढ़ेंगे बट एज़ फार एज़ नाव आप एक बात को समझ लें कि यू का जो निज़ाम है वो कॉमन लॉ सिस्टम है और ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट के ऊपर बेस करता है मैंने कुछ इसके आ, कुछ चीदा चीदा फ़ीचर्स भी लिखे हुए हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल वन वी टॉक अबाउट द सिविल लॉ सिस्टम जिसका मैंने जिक्र किया है कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है फिर उसके बाद जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ़्रांस या स्पेन की कॉलोनीज़ मौजूद है वहाँ पर यह सिस्टम होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉमन लॉ सिस्टम जो कि नॉर्मली नौ, आपको उन कंट्रीज़ में नज़र आता है जिसमें जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर या कलोनीलिज़म के तहत जब ब्रिटिश एमपायर जहाँ जहाँ जिन मुल्कों में गया था वहाँ पर आपको वो निज़ाम नज़र आता है तो सिविल लॉ सिस्टम के कुछ बेसिक जो रूल्स हैं Uh, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये कोडिफाइड सिस्टम होता है यानी इसमें नॉर्मली एक कोड या एक लजस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है जो तमाम के तमाम लॉज को स्पेल आउट कर देता है ऑन द फेस ऑफ इट और इस सिस्टम में जो जजेस का रोल होता है वो बेसिकली ये होता है कि इस्टेब्लिश द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड अप्लाई द प्रोविजन ऑफ द अपलिकबल कोड सो जजेस जो हैं वो इसमें इंक्वटोरियल रोल प्ले करते हैं रादर दैन एडवेरियल रोल ये जो आगे मैं टर्मिनोजीज आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा कि इंक्वटोरियल एंड एडवेसेरियल के अंदर क्या डिफरेंस है बट एज ये समझना है कि सिविल लॉ सिस्टम के अंदर जजेस जो हैं, वो खुद सवाल पूछ रहे होते हैं जो लोग एक्यूज होते हैं या जो लोग अंडर ट्रायल होते हैं उनसे सवाल जवाब का जो प्रोसेस है वो जजेस खुद करते हैं टू इंक्वायर द्रूथ एंड उसके तहत जो लॉयर्स हैं वो सिर्फ एडवाइस कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को कि उन्होंने आंसर किस तरह से करना है और क्या क्या कानूनी जो आ, आ, जो उनको राइट्स ऑफर किए होते हैं लॉ ने उनके तहत रहते हुए उन्होंने अपने आंसर्स करने हैं तो ये जो निज़ाम है ये काफ़ी ज़्यादा सर्टन है बट एट द सेम टाइम सर्टर्निटी के साथ एक इसकी जो प्रॉब्लम है वो है रिजिडिटी ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉमन लॉ सिस्टम की बात करें जो कि हमारा यू के अंदर कॉमनली यूज़ होने वाला सिस्टम है सो so ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी रूट्स और डेवलपमेंट्स ग्यारहवीं और सदी दसवीं और ग्यारहवीं सदी से बेसिकली स्टार्ट हो रही हैं जब से आप जो आ, आप नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जब विलियम द कॉनक्रर आए और उसके बाद उन्होंने अपनी एक स्टेट फॉर्म की आ, और उस स्टेट के अंदर जो कॉमन लॉज बनाए और उन लॉज को सर्टन रखने के लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा रूल है जिसके तहत एक अदालत ने जो फैसला कर लिया होता है उसके ऊपर उसको बाउंड रहना और उसको अगले केस में फॉलो करना एक बहुत ही असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन लॉ सिस्टम का यही अगर हम बात करें बाइंडिंग प्रेसिडेंट की जो बाय द वे हमारा एक मेन टॉपिक भी है लीगल सिस्टम्स एंड मेथड के अंदर जिसके लिए मैं पूरा एक डिटेल लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा Uh, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मली uh, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फोकस करता है एग्जामिनर सो so, जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट का एरिया है कि कौन सा कानून जो है वो फॉलो uh, किया जाएगा इसके ये सिस्टम हमें कॉमन लॉ में नज़र आता है यानी सिविल लॉ की अदालतों ने अगर एक फैसला कर दिया है तो नॉर्मली एक प्रसलूसिव अथॉरिटी होगा वो बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होगा वेयर एज़ अगर एक कॉमन लॉ जूरिस्डिक्शन में जैसे हमारे पास यू के है या पाकिस्तान है न्यूजीलैंड है कैनेडा है यूएस है ऑस्ट्रेलिया है इन सिस्टम में अगर कोर्ट ने कोई फ़ैसला कर दिया है तो वो अपने भी डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाउंड है और आगे जो फ्यूचर में डिसीजन होंगे उनको भी आ, जो है वो फॉलो उसी प्रिंसिपल के तहत किया जाएगा जो इनिशियल केस में डिसाइड किया गया था और इसी तरह जब हम बात करते हैं कि जो लीगल सिस्टम है इंग्लिश लीगल सिस्टम इसमें कॉमन लॉ कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स इन जनरल आर जनरली बेस्ड ऑन एडवसेरियल प्रोसीजर्स मैंने आपसे सिविल लॉ के अंदर बात की थी कि सिविल लॉ सिस्टम जो है वो इनकोजोटोरियल प्रोसीजर फॉलो करता है वेयर एज़ वन वी टॉक अबाउट द कॉमन लॉ सिस्टम तो वो एडवसेरियल सिस्टम फॉलो करता है अब ये बहुत एक मेजर डिफरेंस है अपार्ट फ्राम बाइंडिंग प्रेसिडेंट का डिफरेंस जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया है और ये एक अनकोडिफाइड सिस्टम होता है मोस्टली जिसमें लॉज जो हैं वो कोर्ट्स बना रही होती हैं पार्लियामेंट के साथ साथ सिविल uh, लॉ के अंदर कोर्ट्स लॉ मेकिंग का रोल नहीं प्ले कर रही होती वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का रोल प्ले कर रही होती हैं तो हम बात कर रहे थे एडवेसेरियल प्रोसीजर्स की एडवेसेरियल प्रोसीजर बेसिकली ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पर जो लिटिगेंट्स हैं वो अपने केस को प्रूव करने के लिए आ, आ, कोर्ट को बहुत हद तक असिस्ट कर रहे होते हैं दोनों पार्टीज़ जो हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद होती हैं वो एडवाइज़ कर रही होती हैं लिटरली कोर्ट को कि वो उसने कैसा अपना डिसीजन मेक करना है इसके अंदर जज एक साइलेंट स्पेक्टेटर का रोल प्ले कर रहा होता है खामोशी से बैठ के सुन रहा होता है वेर एज इनकोटोरियल सिस्टम के अंदर जज जो है वो एक एक्टिव एक रोल प्ले करता है जो क्वेश्चन एंड आंसर्स बेसिकली किए जाएंगे वो जज ने उसी वक्त पूछने होते हैं यहाँ पर जज तमाम जो क्वेश्चन लॉयर्स पूछ रहे होते हैं उनके जो जवाब विटनेस वगैरह दे रहे होते हैं उनको सिर्फ वो खामोशी से नोट डाउन कर रहा होता है तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है बिटवीन कॉमन लॉ सिस्टम एंड जो आपका सिविल लॉ सिस्टम अच्छा अब वन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म कॉमन लॉ तो जो मैंने आपके साथ लेक्चर में स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इसको अक्सर लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि वॉट इज़ मेंट बाई कॉमन लॉ

कॉमन लॉ की जो स्टेटमेंट है वो स्टैचू के साथ यूज़ की जाती है इस कॉन्टेक्स्ट में कॉमन लॉ का मतलब है जज मेड लॉ और स्टैचूट लॉ का मतलब है वो लॉ जो पार्लियामेंट ने यानी पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं अपर हाउस एंड लोअर हाउस जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है हाउस ऑफ कामन इज द लोअर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द अपर हाउस ये दो हाउसेज जो मिल के इसको हम क्वीन इन पार्लियामेंट भी कहेंगे क्योंकि क्वीन क्यों उसको रॉयल असेंट देती है Uh, अब किंग इस वक्त मौजूद है तो किंग देगा उसको रॉयल असेंट तो जो स्टैट्यूट लॉ है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है सो वेन एवर वी यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी कॉमन लॉ वर्सिस स्टैट्यूट लॉ इट मीन्स बेसिकली विद इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम जो जजेज लॉ बना रहे हैं उसको हम कॉमन लॉ कहेंगे और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत लॉ बनाएं उसको हम स्टैट्यूट लॉ कहेंगे इसी तरह कॉमन लॉ एंड इक्विटी ये दो टर्म्स भी जो है वो ऑफनली हमें नज़र आती हैं कि वो यूज़ की जाती हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में इन टर्म्स का क्या मतलब है दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कॉमन लॉ इस सिस्टम के अंदर उन रूल्स के तहत खड़ा है जो कि औरिजनली टेंथ और अलेवेंथ सेंचुरी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद से डिवेलप हुए थे प्रॉब्लम ये हो गई कुछ देर के बाद जब ये सिस्टम बन गया कि जो अदालती मामला थे उसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ गई बिकॉज ऑफ वाइंडिंग प्रेसिडेंट तो एक ऐसा एक पैरल निज़ाम बनाया गया जो कि फेयरनेस और जस्टिस के ऊपर बेस था इंस्टेड ऑफ प्रिंस रूल्स के ऊपर जो कि कॉमन लॉ था और इसमें बाइंडिंग प्रेसिडेंट के एलिमेंट को ख़त्म किया गया तो ये एक पैरेलल सिस्टम डेवलप किया गया इक्विटी के नाम से जो लॉर्ड चांसलर ने डेवलप किया था और चांसरी कोर्ट्स इसके ऊपर फॉर्म हुई थी जो कि कुछ एरियाज ऑफ लॉ के अंदर एक्विटेबल डिसीजन करता था यानी डिसीजन बेस्ड ऑन फेयरनेस वो कानून को नहीं पढ़ से देखते थे वो ये देखते थे कि इंसाफ किस चीज़ में है अब ये मामला आपस में मर्ज हो चुका हुआ है यानी इक्विटी एंड कॉमन लॉ जो है आफ्टर द जूडिकेटर एक्ट वो मर्ज हो चुका हुआ है बट स्टिल हमें यह अच्छी तरह पता होना चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द डिग्री कि जब ये टर्म कॉमन लॉ एंड इक्विटी आपस में यूज की जाएगी तो इसमें कॉमन लॉ का क्या मतलब है एक ऐसा निज़ाम जो अदालती निज़ाम था जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है कोर्ट सिस्टम है जिनके जिसके अंदर बाइंडिंग प्रेसिडेंट है और इक्विटी एक, एक ऐसा निज़ाम जो कि एक फेयरनेस uh, और एक uh, बहुत ही फ्लैक्सीबल मैक्सिम्स के ऊपर बेस है जिसमें आपने कुछ मैक्सिम सुने भी होंगे हु एवर कम टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स दिस इज एन एक्विटेबल मैक्सिम जो कि इक्विटी के कोर्ट के, के अंदर अप्लाई होता था इसी तरह जो एक हमने पहले टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है जिसमें कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ का मीनिंग है कॉमन लॉ और सिविल लॉ का मीनिंग जो है वो सिस्टम्स के साथ नॉर्मली यूज किया जाता है तो अगर मैं कहूँ कि यू के इज अ कामन लॉ सिस्टम वेयर एज फ्रांस इज अ सिविल लॉ सिस्टम तो ये इस तनाजुर में इस्तेमाल किया जाता है सो आई होप कि आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें कुछ काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी राइट गाय पर हमने बहुत से डिफरेंट कॉन्सेप्ट को गो um, थ्रू किया जिसके अंदर हमने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लॉस के बारे में बात की है। वी टॉक्ट अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ कॉमन लॉ वर्सेस सिविल लॉ और कॉमन लॉ को जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है होप यू इंजॉयड द लेक्चर एंड यू हैव यू नो गेन सम नॉलेज एंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ लीगल सिस्टम इन यू के वर्क जिस तरह से मैंने रिकमेंडेड बुक आपके सामने यहाँ पे शो की हुई है द इफ़ यू हैव यू नो व्यू दिस लेक्चर एंड यू वांट टू ग्रासप मोर कॉन्सेप्ट आई वुड रिकमेंड यू टू रीड द बुक हॉल एंड वेब चैप्टर नंबर वन अंडरस्टैंडिंग द लॉ And if you have any questions, comments you want to add, you can just leave a um, you know comment down below. And if you like my video, please make sure to subscribe to this channel so that I can keep uploading the similar content on different subjects of UOL, and that would hopefully help you understand the uh, complex concepts e easily. Thank you very much, guys.